बिहार के बहुचर्चित चारा घोटाला मामले में सीबीआई कोर्ट लालू यादव समेत 22 लोगों पर अपना फैसला सुनाएगी। फैसला पहले 11 बजे आना था, फिर फैसले का समय 3 बजे कर दिया गया। फैसला रांची में सुनाया जाना है। न्यायालय ने 3 बजे का समय दिया है फैसला। अच्छा, और कुछ बोला क्या? नहीं, न्यायालय आए नहीं। तो यानी लालू जी लौट गए? लौट गए, आएंगे 3 बजे। लालू यादव और उनके परिवार के कुछ सदस्य रांची शुक्रवार शाम ही पहुंच गए। वहीं लालू यादव भी अपने पुत्र तेजस्वी के साथ 11 बजे सीबीआई कोर्ट जाकर हाजिरी लगा आए। कोर्ट जाने के बाद लालू यादव ने कहा कि जो भी फैसला होगा वो उन्हें मंजूर होगा। आपको क्या व्यवस्था पर हमको भरोसा है? टू जी के तरह अशोक चौहान को जैसे हुआ है हम लोग को भी मिलेगा। न्यायपालिका पर भरोसा है, हायरार्की है, हम सब केस में बेल पर हैं और हम अपील में भी हैं। चारा कांड बोलते रहता रे, हम चारा कांड में जो सजा हुआ हम हाई कोर्ट में अपील में हैं। हायरार्की है, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, फाइनलिटी जब पर सुप्रीम कोर्ट से नहीं होगा तब तक तुम कैसे बोलते हो कि लालू चारा खा गया? उसको तो फैसला हो चुका था ना। हाँ, उसी पर दूसरा फैसला हो, ये कुछ करना है उनको ने कहा है। तो एक बार किसी का होगी जेल चला जाए। तेजस्वी यादव ने भी मीडिया से बात करते हुए कहा कि उन्हें न्यायपालिका पर पूरा विश्वास है और उम्मीद है कि फैसला उनके ही पक्ष में आएगा। पॉलिटिकल षड्यंत्र के हिसाब से बीजेपी और नीतीश कुमार जी के लोग मिलकर के ये सब केस मुकदमा करने का काम किए हैं, क्योंकि ये जनता के बीच तो टिकते नहीं है, जनता के बीच हार जाते हैं। लेकिन देखा जाएगा तो जितने लालू जी पिछड़े परिवार से आते हैं, मंडल का दौर था उस समय से देश में उभरते हुए एक तरह से राजनीतिक जो देश का प्रधानमंत्री तक बनाने का काम लालू जी द्वारा होता था, जिस शक्ति के तौर पे जो उभर रहे थे, तो उनको पीछे करने के लिए, उनको बदनाम करने के लिए षड्यंत्र रचा गया बीजेपी और भाजपा के द्वारा। पूरा मामला 950 करोड़ के चारा घोटाले में देवघर कोषागार से 89.4 लाख रुपए अवैध निकासी से जुड़ा हुआ है। फैसले के दौरान सभी 22 आरोपियों को कोर्ट में उपस्थित होने का आदेश दिया गया है। लालू प्रसाद सहित अन्य आरोपी शुक्रवार की शाम रांची पहुंच गए। लालू के साथ उनके पुत्र तेजस्वी यादव भी रांची आए हैं। अब आपको बताते हैं कि कब कब क्या हुआ। देवघर कोषागार मामले में 38 आरोपियों के खिलाफ न्यायालय में 2 चार्जशीट दाखिल की गई थी। पहली चार्जशीट 27 अक्टूबर 1997 में हुई थी। सीबीआई के इंस्पेक्टर नागेंद्र प्रसाद ने 34 लोगों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की थी। मामले की दूसरी चार्जशीट 25 अगस्त 2004 को दाखिल की गई, जिसमें 4 आरोपियों का नाम शामिल था। कुल 38 आरोपियों में से न्यायालय में ट्रायल के दौरान 11 की मौत हो गई। वहीं सीबीआई ने 3 लोगों को सरकारी गवाह बनाया। इसके अलावा 2 आरोपियों ने फैसला सुनाए जाने के पूर्व दोष स्वीकार कर लिया। किन पर आना है फैसला? राजनेताओं में आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव, बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जगन्नाथ मिश्र, पूर्व सांसद जगदीश शर्मा, पूर्व सांसद सह पूर्व मंत्री डॉक्टर आरके राणा, पूर्व पशुपालन मंत्री विद्या सागर निषाद और लोक लेखा समिति के तत्कालीन अध्यक्ष ध्रुव भगत को लेकर फैसला आना है। साथ ही मामले में शामिल कुछ आईएएस अधिकारियों पर भी फैसला आना है, जिनमें पूर्व पशुपालन सचिव बेग जूलियस, महेश प्रसाद, तत्कालीन वित्त आयुक्त फूल चंद सिंह और तत्कालीन आयकर आयुक्त अधीप चंद्र चौधरी शामिल हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी।